हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एसए 560 सबसिक्वेंट इवेंट। तो सर, सबसिक्वेंट इवेंट क्या है, हमें एज एन ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें क्या करना चाहिए, हम सब ये डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा एसए है और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा नहीं सर, बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि AS4 और AS29 इसके साथ लिंक है। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आइदर इन ऑडिट और इन अकाउंट्स एग्जाम यू विल फाइंड दिस एसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सर, ए सॉरी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या बोलता है हमें कि सब्सिक्वेंट इवेंट अगर होती है कुछ भी, तो एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक चीज़ दिखा देता हूँ सर मैं आपको। देखिए, मैंने एक छोटा सा प्यारा सा एक डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो 560 के लिए मैंने आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये दूंगा नहीं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्यों नहीं दूंगा, बिकॉज सर दीज नोट्स आर वेरी इनकम्प्लीट। आप काफ़ी लोग मेरे को ईमेल्स कर रहे हैं, सर प्लीज़ आप अपनी ये वर्किंग जो है ये शेयर कर लीजिए। सर, मैं किसी भी स्टूडेंट को इनकम्प्लीट डेटा नहीं देना चाहता, बिकॉज इनकम्प्लीट डेटा देना मतलब अगर मैं आपको इनपुट ही अगर इनकम्प्लीट दूंगा तो आउटपुट इनकम्प्लीट निकलेगा। सो दिस इज़ ओनली फॉर माई रेफरेंस सो दैट आई कैन डिस्कस विद यू इन बेटर वे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसए 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। एज एन ऑडिटर व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर, व्हाट इज सब्सिक्वेंट इवेंट? सर, डायरेक्ट स्क्रीन पे चलते हैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। चलिए सर, पहले एग्जाम्पल ही दे देता हूँ आपको कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या हैं। सर, बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2016, और अब आप मान लीजिए ऑडिट कर रहे हो मई में या अप्रैल में। आप जब ऑडिट कर रहे हो, आप ड्यूरिंग ऑडिट आपको कुछ पता चला, क्या पता चला, जैसे मैगी का एग्जांपल कि मैगी को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उसका इफेक्ट मेरे फाइनेंशियल्स पे आना चाहिए। 31 मार्च के जो फाइनेंशियल थे, हालांकि जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है वो 31 मार्च के बाद हुआ है, लेकिन एक ऑडिटर को देखना पड़ेगा नाउ कि इसका इफेक्ट, वेदर दिस सब्सिक्वेंट इवेंट कैन इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2016, वेदर एनी यूजर डिसीजन कैन बी इफेक्टेड इफ आई इंक्लूड दिस सब्सिक्वेंट इवेंट इन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक ऑडिटर को ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। एक सब्सिक्वेंट इवेंट का एग्जाम्पल था। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ सर, आपने मान लीजिए आपका पेरोल है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी 2 साल से सैलरी नहीं दी है, उस पर कोई केस चल रहा है या कोई भी लीगल केस चल रहा है, और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद डिसीजन आ जाता है, तो अब आपको एज एन ऑडिटर देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट लेना चाहिए या नहीं चाहिए। किसी चीज़ की वैल्यूएशन जो आपने ली हुई है, लेकिन अब मार्केट के अंदर कुछ बहुत डाउनफॉल आ गया है या कुछ भी हो गया है, तो उन सारों का आपका इफेक्ट देखना होगा कि 31 मार्च को आपको लेना है या नहीं लेना है। इस पे हमारा AS4 आपको ज़्यादा अच्छे से बताता है कि कब हमें उसकी अकाउंटिंग में उसको डिस्क्लोज करना है एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और कब नहीं करना है। अब अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो वॉट शुड एज एन ऑडिटर वॉट यू विल डू? सर, मेरा पहला स्टेप होगा, मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूँगा कि सर मेरे को इस तरह के ये सिचुएशंस मिली हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो आप इन पे क्या डिसीजन लेने वाले हो, क्या एक्शन लेने वाले हो। मैनेजमेंट आपको बताएगी सर ये तो बड़ा ही मटेरियल है, आपको भी अपनी मटेरियलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू शुड डिस्कस विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या अप्रोच है और उसके बेसिस पे हमारा काम करते हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको अपने डायग्राम पे लेकर चलता हूँ। एक बेसिक बात कर ली हमने, ये देखिए सर एग्जाम्पल मैंने दिए गोइंग कंसर्न के लिए, मैगी का जो एग्जाम्पल था। आपका बैलेंस शीट के बाद कोई स्टॉक किसी वजह से ऑब्सोल्यूट हो जाता है सारा, कोई एक ऐसा काम हो गया, बारिश आ गई और आपका मान लीजिए सब कुछ बाहर रखा हुआ था वो सब खराब हो गया, लीगल केस का डिसीजन आ गया। ठीक है जी, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे। तो इस तरह के आपके कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट के। तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करोगे कि आप लोग सब्सिक्वेंट इवेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्या कंट्रोल्स है, क्या कोई स्पेसिफिक बंदा है जो इन सब काम को देखता है, आपको सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई कैसे होंगे आफ्टर 31 मार्च 2016। आप बोर्ड मिनट्स को पढ़ सकते हो, इंटरिम जो क्वार्टर होगा, फर्स्ट क्वार्टर होगा ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसके फाइनेंशियल्स देख सकते हो, और मैनेजमेंट और मार्केट न्यूज़ देख सकते हो कि मार्केट में कोई कंपनीज़ के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ तो नहीं है जिससे कंपनी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आ रहा हो। ये जनरल पॉइंट है सर, जो भी मैं सिचुएशंस बनाऊंगा उन सब पे लगेंगे। इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट के साथ। 3 पॉइंट जनरल होंगे जो हमारी जितनी भी सिचुएशन आएंगी हमें हर जगह लगाने हैं। पहला पॉइंट इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करेंगे कि सर ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है, अब आप इस पर क्या करने वाले हो, मैनेजमेंट का एक्शन क्या होगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे वेदर मैनेजमेंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज और एडजस्ट दिस
सब्सिक्वेंट इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट, और उसके बाद एक ऑडिटर का क्या होगा, मतलब मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी की क्या या क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, अगर हाँ तो ट्रीटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड गाइडेंस, इसकी आप एक पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल्स, हाउ यू विल आइडेंटिफाई इंक्वायरी, बोर्ड मिनट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मार्केट न्यूज़, ठीक है जी। जनरल पॉइंट्स ये तीन हो गए, अब आते हैं इधर, ये हमारा रेलेवेंट है आपके लिए, ये देख लीजिए आप। सर मान लीजिए इसके अंदर आपको SA 560 के साथ साथ आपको AS 4029 को ध्यान में रखना होगा कि कैसे करना है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 31 मार्च 16, ठीक है जी। आपने इस पीरियड में ऑडिट किया, इस वाले पीरियड में आपने ऑडिट किया और आपने ऑडिट की बैलेंस शीट अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन करके दिया 30 जून को। अब इस पीरियड में येलो जो साइन है, इस वाले पीरियड में आपको कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट मिलते हैं, तो वो जो हमने जनरल पॉइंट डिस्कस किए थे ना, इंक्वायरी, ये वाले इंक्वायरी, वेदर एडजस्ट करने या नहीं करने, ट्रीटमेंट, ये सब होने के बाद आप क्या करोगे, अभी आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन भी नहीं किया, इस पीरियड में आपको कुछ मिला है, तो उनको आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे और उसको एडजस्ट करवाओगे और उसके बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करोगे, क्योंकि ये तो पहले ही हो गए थे, तो आप एडजस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज़ पर AS 4 और AS 29 को देखते हुए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, तो पहली वाली सिचुएशन में तो कोई दिक्कत नहीं थी सर। अब आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी है, लेकिन मैं मानता हूँ मैनेजमेंट को अभी इशू नहीं किया आपने, सिर्फ साइन किया है। साइन करने के बाद सर एज सच ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को देखे और उनको फाइनेंशियल के अंदर चेंजेस करे, बट स्टिल इफ़ यू थिंक द सब्सिक्वेंट इवेंट इज दैट मच मटेरियल दैट कैन इफेक्ट ए यूजर डिसीजन एंड दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन डेफिनेटली यू शुड डिस्कस विद मैनेजमेंट कि सर देखो मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो साइन कर दी है, लेकिन मैंने अभी आपको नहीं दी है, तो मेरे हिसाब से ये चेंजेस आए हैं, क्या आप अपने फाइनेंशियल में चेंजेस करने के लिए तैयार हो? मैनेजमेंट कहती है सर बिल्कुल करेंगे, अगर कोई चेंजेस हैं तो बिल्कुल करेंगे हम, आप एक काम करो फाइनेंशियल में हम अमेंड कर लेते हैं, आपने अभी तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो हमें दी नहीं है, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस करके हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद वो तीनों चारों पॉइंट अगर मैनेजमेंट रेडी है तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट की ओपिनियन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने मैनेजमेंट को तो दी ही नहीं थी ऑडिट रिपोर्ट। चलो सर, सर अब अगला केस, हमने मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है 5 जुलाई को मान लो, अब क्या करें, और अब अगर हमें कोई चेंजेस मिला तो वही सब जनरल बातें डिस्कस कर लिया और ये सब फलाना धमकाना हो गया, तो क्या मैनेजमेंट एग्री है? अब आपने मैनेजमेंट के हाथ में ऑडिट रिपोर्ट साइन दे दी है, क्या मैनेजमेंट रेडी है उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए? अगर हाँ तो मैनेजमेंट कहेगी ठीक है भैया, आपने हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी, एक काम करते हैं हम हमारे फाइनेंशियल्स को चेंज कर लेते हैं, आपने हमें ऑडिट रिपोर्ट दे दी है, कोई बात नहीं, आप इस ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ो, एक नई ऑडिट रिपोर्ट दे दो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। या कंपनी कहती है भैया लॉ एंड रेगुलेशंस बोलते हैं कि अगर इस तरह के कोई चेंजेस है सब्सिक्वेंट इवेंट के हिसाब से तो हम हमारे फाइनेंशियल में चेंजेस कर लेते हैं, आप एक अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से और उसमें एक दूसरी डेट और लिख दो कि इस डेट पे मैंने अपनी ओपिनियन या डिसीजन या जो भी चेंज किया है या एक नोट डाला है या एम्फेसिस ऑफ मैटर डाला है जो कि सब्सिक्वेंट मैटर की वजह से, और उसको साइन और एक दूसरी डेट से दे दो, अमेंड करके दे दो अगर लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ करता है तो। मैनेजमेंट एग्री है तो सर आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे दी थी तो आप चेंजेस करके दे दो, आइदर अमेंडेड रिपोर्ट और न्यू रिपोर्ट। अगर मैनेजमेंट मना कर देती है भैया आप तो हमें ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हो, हम अब आपकी कोई बात नहीं सुन रहे, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप एक्शन लोगे प्रिवेंट रिलायंस, लोगों के पास वो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सर देखना पड़ेगा एज एन ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इस तरह के कोई चेंजेस है, आप ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे चुके हो और अब आपके हिसाब से कोई चेंज है तो आपको किस किस को नोटिफाई करना है, जो भी उसके लिए लॉ देखना पड़ेगा, किस किस को नोटिफाई करना है, कहाँ कहाँ पे नोटिफाई करना है, क्या वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में आपको कुछ बताना है, किस किस को आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रिवेंट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक को इशू नहीं हुई थी, सिर्फ मैनेजमेंट के पास थी। नेक्स्ट केस, अब मैनेजमेंट ने वो रिपोर्ट पब्लिक को इशू कर दी, अब सर मतलब रिपोर्ट पब्लिक में जा चुकी है, उसके बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है कि चेंज करना है, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि सर इस तरह के चेंजेस हैं क्या हम करें, तो मैनेजमेंट कहेगी यार कैसी बातें करते हो, ये सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया लेकिन हम रिपोर्ट तो पब्लिक को दे चुके हैं, अगर अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी रिवाइज करते हैं तो हमें नई रिपोर्ट देनी पड़ेगी, नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने पड़ेंगे। यस,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैनेजमेंट चेंजेस करते हैं, आप अपनी एक नई ऑडिट रिपोर्ट दोगे और इंश्योर करोगे कि जिन जिनको वो ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक में मिली थी उन सबको नई अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट, नई रिपोर्ट अमेंडेड नहीं सॉरी न्यू ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है और वो उस चेंज को समझ सकें कि भैया ये चेंज जो हुआ है ऑडिट रिपोर्ट में इस वजह से हुआ है। अगर मैनेजमेंट मना कर दे भैया हम नहीं कर रहे कोई भी रिपोर्ट के अंदर चेंज, तो आपको दोबारा से प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, नोटिफाई करना पड़ेगा जहाँ भी एज पर लॉ एंड रेगुलेशंस जिन जिनको बोलता है। तो सर ये एक छोटा सा प्रयास था, तीन सिचुएशन थी। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट अभी आपने साइन ही नहीं किए तो कोई चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली आप उसको एडजस्ट कर दोगे फाइनेंशियल में और अपने ऑडिट ओपिनियन उस हिसाब से ड्राफ्ट कर लोगे। साइन कर दिए लेकिन मैनेजमेंट को नहीं दिए तो भी डेफिनेटली आप अपने ओपिनियन को चेंज कर लोगे, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लोगे, क्योंकि अभी आपने रिपोर्ट दी नहीं है। मैनेजमेंट को दे दी रिपोर्ट तो मैनेजमेंट से पूछो क्या वो रेडी है करने के लिए, नहीं है तो आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़ेंगे। पब्लिक में चली गई रिपोर्ट डेफिनेटली आपको दोबारा मैनेजमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, और अगर मैनेजमेंट रेडी है तो ठीक है न्यू रिपोर्ट दे देंगे, अदरवाइज प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़ेंगे। तो सर ये एक छोटा सा डायग्राम था, अगर आप इसकी पिक क्लिक कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको ठीक है दे दूंगा। तो ये देख लीजिए सर, आई होप सब्सिक्वेंट इवेंट को आप अच्छे से समझ पाए हो, और इसके लिए आपको AS4 पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वो बोलता है कंटीजेंट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि जो इवेंट अकर हुई है आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या उसका इफेक्ट बैलेंस शीट डेट पे पड़ रहा है, तो ये सब आपको AS4 के अंदर जाके देखना पड़ेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टेस्ट से हमारा 570 और देन 580 और फिर उसके बाद हमारे 500 सीरीज़ के दो ऐसे बचे हुए हैं 510 एंड 530, वो भी हम आज ही करेंगे। तो आई होप आज हमारी 500 की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सर पढ़ते रहिए, और जैसे ही आपके मई के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे सर, माई ऑडिट डिस्कशन विल बी कुछ टाइम के लिए हम उसको स्टॉप करेंगे, और फिर हम CPT स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं जून में, तो उनके लिए हम लॉ और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो डालेंगे ताकि वी कैन हेल्प देम ऑल्सो फॉर 1 month, और उसके बाद कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड अपने दोस्तों को बताइए सर हमारे चैनल के बारे में। ओके थैंक यू, बाय बाय।